ओके, तो बोर्ड को मैं क्लीन कर देता हूँ। एक डस्टर लाना है, बट मार्केट ओपन ही नहीं हो रहा है ड्यू टू COVID-19। ओके, तो चलो नेक्स्ट नंबर का मैं आपको बोल देता हूँ, आप उसे नोट कर लेना मेरे साथ ही, मैं बोर्ड के ऊपर राइट करूंगा, हो सकता है कि स्क्रीन स्टॉप हो जाए। ओके, मेरे साथ ही राइट करना है आप सभी को। ओके, चलो अब हमने फ्रिक्शन का ले लिया, अब हम कोई स्ट्रेन या फिर स्ट्रेस का ले लेते हैं। चलो राइट करो मेरे साथ। अ रबर बैंड रबर बैंड ओरिजिनली रबर बैंड ओरिजिनली 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज स्ट्रेच रबर बैंड ओरिजिनली 30 सेंटीमीटर लॉन्ग 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज स्ट्रेच इज स्ट्रेच इज स्ट्रेच टू अ लेंथ ऑफ 32 सेंटीमीटर टू अ लेंथ ऑफ टू अ लेंथ ऑफ 32 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर बाय अ सर्टेन लोड बाय अ सर्टेन लोड By a certain load, then find strain produced in it, then find strain produced in it. Okay, उसके अंदर कितना strain produce हो उतना आपको write करना है, find करना है. Okay. ओके, देखो, अ रबर बैंड ओरिजिनली 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज स्ट्रेच टू अ लेंथ ऑफ 32 सेंटीमीटर बाय अ सर्टेन लोड, देन फाइंड द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन इट. ओके, सो देखो आपको क्या दिया है, एक रबर बैंड दिया है, रबर बैंड का ओरिजिनल लेंथ कितना दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है, देन नेक्स्ट चेंज इन लेंथ दिया है, उसका स्ट्रेच उस जो 30 सेंटीमीटर का जो रबर बैंड है उसे आप स्ट्रेच करते हो बाय अप्लाइंग अ फोर्स, स्ट्रेच करने का उसका जो लेंथ है लेंथ इंक्रीज हो जाता है बाय 32 सेंटीमीटर. Then find the strain produced in it. Okay, अब हमें क्या करना है, strain find करना. Okay, तो देखो सबसे पहले आप क्या write करोगे, given data. Okay, given data के अंदर आपको क्या क्या given है, सबसे first आपको क्या given है, original length दिया है. Original length means what, capital L आपको दिया है, capital L कितना दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है. Okay, then next change in length दिया है. Okay, change in length means small L दिया है, कितना दिया है 32 सेंटीमीटर. Okay, आपको फाइंड क्या करना है, स्ट्रेन फाइंड करना है. ओके, सो टू फाइंड. हाँ बोलो, स्क्रीन ब्लर हो रही है. ओके, जस्ट अ सेकंड. ओके, टू फाइंड आपको क्या करना है, स्ट्रेन आपको फाइंड करना है. ओके, यानी कि ये आपको फाइंड करना है. ओके ओके, अच्छे से दिखाई दे रहेगा सबको बोर्ड? हाँ, बोर्ड दिखाई दे रहेगा अब. नहीं, सब ब्लर दिखाई दे रहा. ओके, जस्ट अ सेकेंड. बाकी स्टूडेंट को दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर. ओके, शायद आपका नेटवर्क इशू होगा. ओके, एक बार चेक कर लो. हाँ, होगा. ओके, तो चलो अब आपको फाइंड क्या करना है, स्ट्रेन आपको फाइंड करना है, मींस आपको ई फाइंड करना है. ओके, सो ई के लिए फॉर्मूला क्या है, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ. ओके, सो देखो, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, वी नो दैट द फॉर्मूला. ओके, सो वी नो दैट स्ट्रेन
इन ब्रैकेट स्मॉल ई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, चेंज इन लेंथ, ओके, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, ओके, ओरिजिनल लेंथ। तो देखो चेंज इन लेंथ मींस व्हाट, स्मॉल एल, स्मॉल एल कितना दिया आपको, 30 सेंटीमीटर दिया, ओके, सो 30 सेंटीमीटर टू 32 सेंटीमीटर, ओके। अब चलो इनका रेशो आपको फाइंड करना है, इनका जो रेशो आएगा वो आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा, ओके। अब देखो 30 डिवाइडेड बाय 32 है, अगर आपको इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगा, सबसे पहले आप इसे क्या करो, 2 से डिवाइड करो 2 से, का जो आपको ओरिजिनल लेंथ 30 है ना, ओरिजिनल लेंथ 30 है ना, ओरिजिनल लेंथ क्या है 30, ओके, तो यहाँ पर 32 डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा, ओके। अब देखो ओरिजिनल लेंथ 30 दिया है, ओके, अब देखो इसे क्या करो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, 15 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो दोनों टर्म्स को, वो ऊपर 16 हो जाएगा, सो 16 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा, अब 15 से 16 को डिवाइड करो, देखो क्या आंसर आता है, जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर रहेगा, ओके। क्या होगा, 15 वन 15 रिमेनिंग 1, सो 1 पॉइंट हो जाएगा, देन अगेन नेक्स्ट 15 1 रहता है, ओके, सो 10 10 हो जाएगा, 15 6 आर हो जाएगा, सो 1.6 समथिंग आपका आंसर आएगा, ओके। देखो क्या आंसर आता है बोल लो जल्दी से, 1.06 ओके 1.06। देखो अगर इस अगर ऐसे सॉल्व करो तो ऐसे सॉल्व करो, नहीं तो क्या करने का, इन दोनों को 48 के नंबर में कन्वर्ट कर दो, सामने दो जीरो ऐड कर दो ऊपर नीचे, एंड देन नेक्स्ट 16 का लॉग देखो, 15 का लॉग देखो, देन नेक्स्ट उसका एंटी लॉग देख लो, ओके, इस तरह से भी आपको सॉल्व हो जाएगा आपका, ओके। लॉग टेबल के हिसाब से देखेंगे हम, 16 का 00 में कितना आता है, 2041, ओके, सो 3.2041 सबट्रैक्ट बाय 15 का 1716, 3.1716, ओके, तो 11 माइनस 6 5 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 10 माइनस 7 3 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 आएगा, ओके, तो 0.3 का 25 में एंटी लॉग, 0.3 का 25 में, 5 में मीन डिफरेंस है 1, सो 1077 आएगा, ओके, सो 1077, ओके, यानी कि 1.077 आपका फाइनल आंसर रहेगा, ओके, सो 1.077 ई स्ट्रेन इज इक्वल टू 1.077, ओके, चलो सेंटीमीटर हाँ सेंटीमीटर आएगा, नहीं इसका यूनिट ही नहीं आएगा क्योंकि स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन हमें फाइंड करना है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओके, सो यूनिटलेस क्वांटिटी रहता है, स्ट्रेन इज द यूनिटलेस क्वांटिटी, ओके, दोनों सेंटीमीटर में दिए थे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, सो इसका यूनिट नहीं रहेगा, ओके, यूनिटलेस क्वांटिटी स्ट्रेन, ओके, चलो राइट कर लो। चलो हुआ है क्या,
चलो उसके बाद हम एक स्ट्रेस का भी एग्जांपल देखेंगे आज एक। ओके बोर्ड क्लीन कर देता हूं अब मैं। देन नेक्स्ट नंबर का नंबर फोर्थ। ओके स्ट्रेस का लेंगे अब कोई एग्जांपल। ओके पैरेलली मेरे साथ राइट करना। ओके ओके चलो व्हाट इज द स्ट्रेस इन वायर राइट करो। व्हाट इज द स्ट्रेस इन वायर विच इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन। If the wire bears a load of 100 kg, okay. 100 kg. ओके अब देखो आपको स्ट्रेस फाइंड करना है। ओके सो देखो न्यूमेरिकल क्या गिवन है। न्यूमेरिकल एक बार रीड कर लो। ओके न्यूमेरिकल क्या दिया है, व्हाट इज द स्ट्रेस इन वायर विच इज ऑफ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन इफ अ वायर बियर्स अ लोड ऑफ 100 kg। ओके 100 kg वो क्या कर रहा है, लोड कैरी कर रहा है। ओके अब देखो आपको क्या फाइंड करना है, स्ट्रेस फाइंड करना है। ओके सो सबसे पहले आप क्या करो, गिवन डेटा राइट कर लो। गिवन डेटा क्या है, सबसे पहले उसका क्या दिया है, लेंथ दिया है। ओके सो लेंथ एल फाइंड करो कितना है, 50 सेंटीमीटर। ओके देन नेक्स्ट एरिया दिया है इसका 0.1 सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शन, मीन्स उसका क्या दिया है, एरिया दिया है। ओके सो एरिया इज इक्वल टू कितना आएगा, 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके देन नेक्स्ट बियर्स अ लोड ऑफ, लोड दिया है मीन्स क्या दिया है, एफ मीन्स फोर्स। ओके लोड दिया है, ओके मीन्स एफ दिया है। ओके सो एफ इज इक्वल टू कितना दिया है, 100 kg। ओके देन नेक्स्ट फाइंड क्या करना है, टू फाइंड अब क्या करना है आपको, स्ट्रेस। ओके मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट आपको फाइंड करना है। ओके सिग्मा इज इक्वल टू कितना रहेगा आपको फाइंड करना है। ओके सो देखो अब नेक्स्ट अब आपको क्या करना पड़ेगा, वी नो दैट। ओके व्हाट वी नो दैट द फॉर्मूला। ओके अब देखो सिग्मा इज इक्वल टू क्या रहता है, एफ बाय ए मीन्स फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एफ कितना दिया है, 100 दिया है। सो 100 डिवाइडेड बाय एरिया कितना दिया है, 0.1 दिया है। ओके तो देखो 0.1 दिया है, अब देखो इसका आंसर क्या आता है, चलो बोलो जल्दी से। हाँ 1000। बट आप यहाँ पर कोई बताया क्या, इसके अंदर कौन सी चीज बाकी है आपके यहाँ पर,
यूनिट 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 क्या करना है हमें? कन्वर्ट. हाँ गुड. कौन है? श्रेयस. क्या क्या नाम है आपका? श्रेयस. ओके श्रेयस पाटिल. ओके गुड. सो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यूनिट का वजन करना पड़ेगा. यहाँ पर देखो सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है केजी दिया है. ओके यहाँ पर क्या है सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हो रहा है. सेंटीमीटर किसका है? सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट का है. एंड केजी क्या है? कैसा सिस्टम ऑफ यूनिट है. ओके तो देखो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जन करना पड़ेगा. ओके तो देखो 100 को क्या करो? इंटू 10^3 करो. ओके तो ग्राम में हो जाएगा. फिर पूरे पूरे यूनिट क्या हो जाएंगे आपके? पूरे पूरे यूनिट आपके सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हो जाएंगे. ओके केजी का अगर आप ग्राम करते हो. ओके केजी का आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना है? ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है. मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा? इंटू 10^3 करना पड़ेगा. ओके तो इंटू 10^3 करो. ओके तो फिर ये क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा. यानी कि सारे यूनिट्स आपके क्या हो जाएंगे? सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हो जाएंगे. ओके अब सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में तो आप इसे डायरेक्टली अप्लाई करो. 100 × 10^3 हो जाएगा. एंड देन नेक्स्ट 0.1 दिया है. ओके देन नेक्स्ट अब देखो इसका और क्या बाकी. अब इसके अंदर लेंथ हो गया 100 × 10^3 डिवाइडेड बाय 0.1. ओके 0.1 अगर हम शिफ्ट करते आगे तो ऊपर 1 एंड करना पड़ेगा. मीन्स 100 × 10^4 हो जाएगा. सिग्मा इज इक्वल टू लेंथ का कुछ रिलेशन तो नहीं है यहाँ पर. लेंथ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. कहाँ पर तो मिस्टेक हो रहा है इसका? जस्ट अ सेकेंड. इसका आंसर 100 × 10^4 आएगा. ओके अगर हम इस तरह से सॉल्व करते हैं तो 100 × 10^4. ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके एक बार एक आप इसे यहाँ तक राइट कर लो. ओके या तो इसके अंदर कुछ मिस्टेक दिया है गिवन डेटा के अंदर या फिर इसका आंसर गलत दिया है. ओके मेरे पास जो ये है क्वेश्चन उसके नीचे इसका आंसर दिया है 0.98. ओके 98 ऐसा कुछ तो भी आंसर आता है इसका. ओके या तक आप इसे नोट कर लो. ओके कल मैं इसे आपको फिर से बोल दूंगा. ओके शायद कुछ करेक्शन होगा इसके अंदर या तो कुछ प्रिंट मिस्टेक होगा या फिर कुछ और होगा. ओके यहाँ तक नोट कर लो आप उसे. ओके फॉर्मूलाज तक. ओके फॉर्मूलाज तक नोट कर लो. ओके इसके आगे हम कल के लेक्चर में इसे सॉल्व कर देंगे. ओके फॉर्मूलाज तक राइट करो. ओके इसके आगे हम इसे कल के लेक्चर में देखेंगे. शायद इसके अंदर कुछ वैल्यूज चेंज दिए है या फिर कुछ मिस्टेक हुआ है. ओके या फिर आंसर के अंदर मिस्टेक होगा. ओके जो मेरे पास आंसर है 98 point something आता है इसका. ओके यहाँ तक राइट कर लो उसे. ओके इसके आगे हम कल के लेक्चर में देखेंगे. और एक और बात सीबीएसई का एनसीईआरटी का जो बुक है उसके पीडीएफ मेरे पास है. मैं सर को सेंड कर दूंगा. सर से आप ले लेना. ओके हेलो सर सेकंड लाइन में वायर के बाद क्या वर्ड है? सेकंड लाइन में वायर के बाद बीएस. ओके बीएस बीएस और लोड ऑफ 100 kg. जस्ट अ सेकेंड हम एक बार चेक करता हूँ न्यूमेरिकल सही राइट किया है क्या हमने. जस्ट अ सेकेंड. हाँ व्हाट इज द स्ट्रेस इन वायर विच इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.01. If the wire bears a load of 100 kg. Okay, देखो यहाँ पर 0.01 है. यहाँ 0.0 नहीं है. Okay, 0.01 है. 0.01.
ओके चलो यहाँ तक राइट कर लो, इसके आगे हम कल के लेक्चर में सॉल्व करेंगे एंड देन नेक्स्ट कल का जो होमवर्क आपका बाकी है, बहुत सारे बच्चों ने सेंड नहीं किया है, ओके आज सेंड कर देना, ओके जिन जिन्होंने ऋषिकेश सर को सेंड किया, सर ने मुझे सेंड कर दिया उन सबका, ओके और बहुत सारे बच्चे से जो कि कल के लेक्चर में एब्सेंट थे, ओके एक फॉर्मूला आपको 5 times ऐड करना है, कल मैंने 13 फॉर्मूला ऐड करके दिए थे, या तो आपके फ्रेंड से ले लो या फिर कल का लेक्चर रेफर कर लो। चलो हुआ है क्या सबका? हेलो सर। बोलो। हेलो, हमने वो 400 लिया है, वो फोरसा में निकालना पड़ेगा ना सर? हेलो, फोर्स m into g, हाँ वो 100 into 9.8 करना पड़ेगा। 9.81 करना पड़ेगा, करेक्ट है, ओके फिर आपका आंसर आ जाएगा, ओके So, F को क्या करो, M into G ले लो, ओके वहां पर लोड दिया है, means मास दिया है, ओके करेक्ट है, 100 into क्या हो जाएगा, 9.81 हो जाएगा, ओके सो 100 into 9.81 कर लो इसे, ओके 9.81 into 10^3, ओके एंड देन नेक्स्ट अब आपका आंसर आएगा, ओके सो 100 into 9.81 क्या हो जाएगा आपका, 981 हो जाएगा, ओके तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 981 into 10^3, ओके सो नेक्स्ट अभी से करो, 981 into 10^3 डिवाइडेड बाय 0.01 टू डी राइट एंड शिफ्ट में शिफ्ट हो जाओ, फिर आपको आंसर मिलेगा 981 into 10^5, ओके सिग्मा इसका यूनिट क्या आएगा, कौन सी यूनिट में आपने सॉल्व किया है, इसका क्या था, सेंटीमीटर ग्राम था, ओके सो ग्राम पर क्या आएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ओके ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके देखो यूनिट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, अगर आपका बुक के अंदर आंसर आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी दिया है तो वहां पर थोड़ा सा रेस टू पावर में चेंज होगा, ओके बट अगर आपने यहाँ पर ग्राम पर सेंटीमीटर में अगर आप फाइंड करते हो तो आपको आखिर में यहाँ पर वही यूनिट आपको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने क्या किए थे, सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन से यूज किए थे, सीजीएस किए थे, ओके सो इसलिए आखिरकार जो आपका जो यूनिट आएगा आखिरकार वो भी क्या आएगा, सीजीएस ही आएगा, ओके सो चलो नोट कर लो, 981 इंटू 10^5, ओके आंसर क्या दिया है इसका, 9.8 into 10^8, हाँ वही आता है, ओके वो अपन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है, यहाँ पर हमने ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिया है, ओके चलो राइट कर लो, 981 into 10^5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके चलो हुआ है क्या सबका? हेलो सर, यूनिट क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, ओके तो देखो यूनिट्स कैसे फाइंड करेंगे आप, यहाँ पर क्या किया है आपने, फोर्स था, ओके फोर्स का यूनिट क्या था आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके सो ग्राम था, सो ग्राम ऊपर रहेगा, देन नेक्स्ट नीचे आपने क्या यूज किया, एरिया, एरिया का क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके सो देयरफॉर वहां पर क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ओके नहीं तो अगर आपको इसे डायरेक्टली अगर आपको करना है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, फोर्स है, ओके यहाँ पर आपने फोर्स फाइंड किया है, 100 इंटू 9.81 किया है, सो फोर्स का यूनिट क्या आता है, न्यूटन आता है, ओके अगर आप इसे एसआई सिस्टम ऑफ यूज में अगर आप इसे कन्वर्ट करते हो, ओके फोर्स का यूनिट अगर आप न्यूटन यूज करते हो तो आपको नीचे भी क्या करना पड़ेगा, एसआई सिस्टम यूज से गाइड करना पड़ेगा, फिर नीचे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा एंड ऊपर क्या हो जाएगा,
न्यूटन हो जाएगा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में. ओके सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आपका एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स रहेगा. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में. ओके हेलो सर, वैल्यू चेंज होगी ना? वैल्यू चेंज होगी ना? वैल्यू वन पावर से चेंज होगा. ओके एक पावर ऊपर ऐड हो जाएगा. अगर न्यूटन पर सेंटीमीटर का अगर आप मीटर स्क्वायर में करते हो तो यहाँ पर 10^6 हो जाएगा. अगर आप मीटर स्क्वायर यूज करते हो तो 10^6 हो जाएगा. अगर आप मीटर स्क्वायर यूज करते हो और आपके बुक में जो आंसर दिया है, बुक में आंसर क्या दिया है यहाँ पर 9.8 दिया है. 9.8 इंटू 10^8 दिया है. ओके 9.8 इंटू 10^8 एंड 981 इंटू 10^6 दोनों भी इक्वली आते हैं. ओके 9.81 इंटू 10^8 एंड 981 यहाँ पर आपने सिर्फ यहाँ पर डेसिमल पॉइंट यूज नहीं किया है. जो आंसर आपको दिया आंसर के अंदर डेसिमल पॉइंट यूज किया है कि टू डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुए therefore यहाँ पर 10^8 आता है. ओके कोई भी आंसर राइट करो, दोनों भी करेक्ट ही आएंगे. ओके चलो हुआ है क्या सबका? तो आज के लिए हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं. कल के लेक्चर में हम इसके और न्यूमेरिकल देखेंगे, कल और परसों. आज हमने 4 न्यूमेरिकल देखे, कल के लेक्चर में हम 5-6 न्यूमेरिकल देखेंगे और परसों के लेक्चर में भी 5-6 न्यूमेरिकल देखेंगे. ओके इसके पूरे न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेंगे. स्टेट बोर्ड प्लस CBSE प्लस NCERT ओके इन तीनों के बुक में जो न्यूमेरिकल्स आपको दिए वो सारे सारे हम सॉल्व कर लेंगे. ओके एक्सरसाइज के भी. ओके 2 दिन के अंदर हो जाएंगे, कल और परसों. ओके कल भी 5-6 लेंगे, परसों भी 5-6 लेंगे. अगर फिर भी कुछ रहते हैं तो उसके टुमारो उसके लेक्चर में भी हम कवर कर लेंगे. ओके तो ठीक है आज के लिए स्टॉप करते हैं यहाँ पर. वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. ऋषिकेश सर, ऋषिकेश सर, यस सर, लीव करता हूँ फिर आज के लिए. ओके सर. ओके स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू जॉइन अगेन at 7:15 your maths lecture. Try to rejoin again. Thank you sir. Okay.